अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पीस विद बेक्ड पोटैटोस। मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टिक्का पीसेस, ये तकरीबन 1 kg वेट करता है। आपने जितने भी चिकन टिक्का पीसेस यूज़ करने हैं, आपने हर पीस के ऊपर तकरीबन 3 से 4 कट लगा देने हैं। मसालों के लिए हमें चाहिए 6 मसाले। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून और दही 1 कप। सबसे पहले दही में हम सारे मसाले ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलरिंग डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा हमारे मसाले को। अब हम सारे टिक्का पीसेस को इस मसाले में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। टिक्का पीसेस को कोट करने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। 2 से 3 घंटे रख लें, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो 1 दिन के लिए रख लें। तीन घंटे के बाद मैंने चिकन पीसेस को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसको फॉइल पेपर के ऊपर प्लेस करेंगे और जो थोड़ा सा मसाला रह जाएगा उसको इसके ऊपर डाल लेंगे। मैंने चिकन को फॉइल पेपर में इस तरह रैप किया है, इस तरह जो चिकन है वो बहुत जूसी रहेगा। अगर आप चाहें तो खुले भी रख सकते हैं। उसी बाउल में मैंने 1 आलू काट कर डाल लिया है और उसी मसाले से इसको कोट किया है। आलूओं को भी इसी तरह फॉइल पेपर के ऊपर प्लेस कर लिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को प्रीहीटेड ओवन में रखेंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर। चिकन टिक्का पीस विद बेक्ड पोटैटोस तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।